फ्रेंड्स, थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट टेंस। यस, आज मैं आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में सब कुछ बताऊंगी। आपको बहुत आसान तरीके से मैं बताने वाली हूँ, आपको बहुत इजी वे में समझाने वाली हूँ। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है, जो मैं बता रही हूँ उसे ध्यान से सुनना है, फिर आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस प्रेजेंट टेंस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। आइए जान लेते हैं प्रेजेंट टेंस होता क्या है। यह एक ऐसा कार्य है जो हमेशा होता है या अभी हो रहा है, या जो एक समय में शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है, या फिर जो एक समय में शुरू हुआ था और अभी अभी खत्म हुआ है, इसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। आइए देखते हैं प्रेजेंट टेंस के टाइप्स विद एक्सप्लेनेशन। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, ठीक है। पहला सेंटेंस है वीना सिंग्स, सेकेंड इज वीना इज सिंगिंग, थर्ड इज वीना हैज सन, और फोर्थ है वीना हैज बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। तो वन बाय वन हम एक एक सेंटेंस को लेते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वीना सिंग्स, यानी वीना गाती है। वीना गाती है, लेकिन कौन से समय से गा रही है, कब से गा रही है, उसका टाइम जो है वो फिक्स नहीं है। क्योंकि टाइम फिक्स नहीं है, इसे हम कहेंगे प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, ठीक है। चलते हैं सेकेंड स्टेटमेंट की तरफ। वीना इज सिंगिंग, यानी वीना गा रही है। वीना अभी गा रही है, कंटिन्यूअस अभी भी गा रही है। उसका जो गाने का काम है वो अभी भी कंटिन्यूअस चल रहा है। इसलिए क्योंकि ये अभी कंटिन्यूअस चल रहा है, इसे हम नाम देते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट इज वीना हैज संग, वीना ने गा लिया। वीना हैज संग, वीना ने गा लिया, यानी यहाँ पे काम खत्म हो गया। कब खत्म हुआ? अभी अभी, कुछ देर पहले खत्म हुआ है। यहाँ पे काम कुछ देर पहले खत्म हुआ है, एक्शन जो है वो कुछ देर पहले कंप्लीट हुआ है, इसलिए हम इसे कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि जो काम चल रहा होता है, एक समय में वो चालू हुआ था, अभी वो खत्म हो चुका है। वीना है सन, अभी अभी खत्म हुआ है, जस्ट थोड़ी देर पहले, ठीक है। दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अवर लास्ट सेंटेंस इज वीना हैज बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। वीना हैज बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, वीना मॉर्निंग से गा रही है। तो यहाँ पे एक्शन एक फिक्स टाइम से स्टार्ट हुआ, यानी मॉर्निंग से स्टार्ट हुआ, और अभी भी वो कंटिन्यूस चल रहा है, तो इसे हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आई होप इट इज क्लियर टू यू। वीना सिंग्स प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, क्योंकि हमें इसका टाइम पीरियड नहीं पता है वो कब से गा रही है, दैट इज वाई यहाँ पे हमने इनडेफिनिट का नाम दिया है। सेकेंड, वीना इज सिंगिंग, अभी भी वो सिंग कर रही है, उसका कंटिन्यूस सिंगिंग चल रहा है, तो इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। थर्ड है वीना हैज सन, वीना ने गा लिया है, मीन्स जो एक्शन है, गाने का जो काम है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो इसे हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लास्ट इज वीना हैज बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, वीना ने मॉर्निंग से गाना गाना जो शुरू किया है, शी हैज बीन सिंगिंग, वो अभी तक गा ही रही है, कंटिन्यूस गा रही है, तो इसे हमने नाम दिया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट टेंस को और बेटर वे में समझने के लिए मैंने इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए हैं, तो इनकी ड्रिलिंग से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम करते हैं प्रेजेंट टेंस की प्रैक्टिस। आइए देखते हैं प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का फॉर्मेट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसमें हम एस या ईएस ऐड कर सकते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल है शी राइट्स अ पेपर, ही रीड्स नॉवल। यहाँ पे शी इज द सब्जेक्ट,
राइट्स मेन वर्ब, इसमें हमने एस ऐड किया है. अ पेपर इज द ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज द सब्जेक्ट. रीड्स मेन वर्ब एंड नॉवेल इज द ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. इसका फॉर्मेट देखते हैं. सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. शी इज राइटिंग अ लेटर. ही इज रीडिंग अ नॉवेल. शी इज द सब्जेक्ट. इज हेल्पिंग वर्ब. राइटिंग इज द मेन वर्ब जिसमें आईएनजी इंग फॉर्म यूज हुआ है. अ लेटर इज द ऑब्जेक्ट. सिमिलरली नेक्स्ट सेंटेंस में ही इज द सब्जेक्ट. इज हेल्पिंग वर्ब. रीडिंग मेन वर्ब. अ नॉवेल इज द ऑब्जेक्ट. अगर आपको इज एम आर का सही यूसेज पता करना है तो ऊपर दिए गए आई लिंक पे क्लिक करिए. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. नाउ लेट अस सी द एग्जांपल फॉर दिस. शी हैज रिटन अ पेपर. ही हैज रेड अ नॉवेल. शी सब्जेक्ट. हैज इज द हेल्पिंग वर्ब. रिटन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. अ पेपर इज द ऑब्जेक्ट. ही सब्जेक्ट. हैज हेल्पिंग रेड इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रीड एंड अ नॉवेल इज द ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. व्हाट इज द फॉर्मेट? सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब्स आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल इज शी हैज बीन राइटिंग अ पेपर सिंस मॉर्निंग. शी सब्जेक्ट. Has been is the helping verb. Writing is the main verb with ing ing form. A paper since morning is the object. Now let's see the second example for this. He has been reading a novel since afternoon. He subject. Has been is the helping verb. Reading main verb with ing. A novel since afternoon is the object. Sorry, it's DJ.